हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं। क्लास 11 में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे और बेसिक क्वेश्चंस में कैसे करके क्या दिया हुआ रहता है। पर यहां पे हमारे पास ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम लोग बात करें क्लास 12 के क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे हमारे पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल रहेगा। इस तरह का जब ऑब्जर्वेशन होता है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है और किस तरह से हम मूव करते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आज हम बैक टू बैक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम आपको यहां पे y = x टू द पावर x टू द पावर x। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसा कि हम बताएं कि जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है तो हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी पावर रहता है उसे सामने लाना होता है। और हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सामने आसानी से आएगा नहीं या नॉर्मली आता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पावर को सामने लाने के लिए एक टर्म होता है जिसका नाम है लॉगरिथम, उस लॉगरिथम का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही लिखे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारे पास लॉग x होल टू द पावर x टू द पावर x। यहां हमारे पास आया लॉग y इज इक्वल टू x टू द पावर x सामने आ जाएगा और हमारे पास हो जाएगा लॉग x। ये हो गया, पर फिर भी अभी भी हमारे पास जो ये पावर है वो सामने नहीं आया, यानी कि हमारे पास फिर से यहां पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, यानी इसे हम लोग कैसे करके सामने लेके आएंगे। तो हमें फिर से यहां लॉग लेना पड़ेगा, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर लॉग एक्स। अब जैसा कि हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि लॉग के एंगल में अगर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में रहता है तो उसे हम लोग शिफ्ट करते हैं प्लस में, दैट मींस लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी यहां पे हमारे पास ये ए और ये बी का काम कर रहा है, तो यहां पे हम लोग उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ log x। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसे एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे log of log y is equals to x log x plus log of log x, यानी अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बोलते ही हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यानी लिखेंगे d by dx of log of log y is equals to, जैसा कि हम लोग बताया है प्रॉपर्टी में कि log में अगर u plus v है तो हम लोग डिफरेंशिएशन में अगर u plus v है तो डिफरेंशिएशन u के लिए भी सेपरेट होता है और v के लिए भी सेपरेट होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, ये पूरा u और ये पूरा v, यानी लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ x log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये हो गया हमारे पास। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि हम आपको फॉर्मूला में पढ़ाए थे कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 1 बाई एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो यानी कि यहां पे हमारे पास लॉग वाई है, लॉग ऑफ लॉग वाई है, दैट मीन्स ये जो है ये पूरा हमारा काम कर रहा है x का, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई log y इनटू रूट के हिसाब से डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी एंगल बना था उसको अलग से, यानी कि दिस। यहाँ हमारे पास u इनटू v, ये काम कर रहा है u का और ये काम कर रहा है v का, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे x d by dx of log x plus log x d by dx of x, और यहां भी ये पूरा काम कर रहा है हमारे पास x का, यानी कि लिखेंगे प्लस 1 by log x
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये हो गया हमारे पास इसका टर्म। अब इसे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, log x का डिफरेंशिएशन अभी भी बताया कि 1 by x होता है, log y का डिफरेंशिएशन भी 1 by y होगा, और log x के लिए लिखवाए थे into dx of log x, यानी into dx of log y, यहां हमारे पास हो जाएगा 1 by y log y into d by dx of y is equals to x, log x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है 1 by x इंटू dx ऑफ x करेंगे वन ही आएगा, फिर प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 1, यानी कि इसको लिखने का जरूरत नहीं है, और फिर प्लस 1 by x log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, तो यहां हमारे पास फाइनली मिला 1 by y log y dy by dx, यहां x और x कट गया, इज इक्वल टू 1 प्लस log x प्लस 1 by x log x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए dy by dx इज इक्वल टू y log y ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा हमारे पास x log x प्लस x log x का होल स्क्वायर प्लस 1 होल बाय x log x, y का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और log y का वैल्यू भी हमारे पास दिया हुआ है, उसे भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हमारे पास y का वैल्यू हो गया और ये हमारे पास log y का वैल्यू हो गया, तो दोनों के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग एक आंसर निकालेंगे यहां प्रॉपर, dy / dx is equals to x to the power x to the power x into log y का वैल्यू हमारे पास x to the power x log x, और यहां हमारे पास आया x log x plus x log x का होल स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x log x, तो ये हमारे पास log x और log x कट गया, दैट मींस हम लोग फाइनल आंसर को छोड़ेंगे d / dx is equals to x to the power x to the power x into x to the power x log x plus log x का whole square plus 1 by x, x से divide कर दिए सबको, तो ये proper answer मिला हमारे पास इस तरह के questions के लिए, तो ये था हमारे पास पहला question, इस तरह से हम लोग करके पहला question को solve किए।